अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की चिंगारी शोरों में तब्दील हो चुकी है। आज अचानक बीड, हिंगोली, ठाणे, मुंबई, धाराशिव समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, बसों पर पथराव किया गया। दो विधायकों समेत कई नेताओं के घरों पर हमले हुए, आग लगा दी गई। बीड में तो हालात बेकाबू हो गए और उसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। बीड में आज दिन भर जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने बीड के एनसीपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भीड़ ने शरद पवार कैंप के विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया। आज दिन में ही अजीत पवार कैंप के विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर भी हमला हुआ। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे सैकड़ों आंदोलनकारी उनके घर में घुसे और घर को आग के हवाले कर दिया। माजलगांव और वाडवानी में रिजर्वेशन की मांग को लेकर आज बंद की कॉल दी गई थी, इसलिए ज्यादातर बाजार बंद रहे, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों लोगों की भीड़ विधायक प्रकाश सोलंके के घर पहुंच गई। पहले वहां पथराव किया गया। कंपाउंड में खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, घर के अंदर घुसकर सामान तहस नहस कर दिया गया और आखिर में घर को आग लगा दी गई। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त विधायक प्रकाश सोलंके घर के अंदर मौजूद थे। सोलंके ने खुद को एक कमरे में बंद करके किसी तरह जान बचाई। प्रकाश सोलंके ने कहा कि हमला करने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास डीजल और पेट्रोल से भरे डब्बे थे। एनसीपी विधायक ने आरोप लगाया कि घर के बाहर पुलिस मौजूद थी लेकिन उसने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। माजलगांव जो परिसर है वो बंद का कार्यक्रम था और इसलिए गांव में बहुत सारा मॉब इकट्ठा होके सब बंद मना रहे थे। तो उसके बाद में वही मॉब जो गांव में था वो मेरे घर पे चल के आया और उन्होंने 2 घंटा तक इधर पत्थरबाजी की, जो हमारे व्हीकल से उसको आग लगा दी। जो मॉब था उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि वो पूरी तैयारी से आ गए थे, जिनके पास पेट्रोल की बोतल थी, डीजल की बोतल थी और उनका इरादा यही था कि कुछ न कुछ हंगामा इधर खड़ा करने का। लेकिन परमेश्वर की कृपा से मेरे को कुछ भी ईजा वगैरह मेरे को नहीं हुई। घर का काफ़ी नुकसान किया है, हमारे घर में घुस के टीवी भी फोड़ दिया है, मेरे घर में जो ग्लासेस है वो सब चकनाचूर किए हैं। मराठा आंदोलनकारियों का गुस्सा बीजेपी के विधायक प्रशांत बंब के दफ्तर पर भी निकला। प्रशांत बंब छत्रपति संभाजी नगर की गंगापुर सीट से विधायक हैं। आज उनके दफ्तर पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया, दफ्तर में तोड़फोड़। मराठा आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बना रहे हैं। बीड के माजलगांव में म्युनिसिपल काउंसिल के दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। करीब 4,000 की भीड़ दफ्तर के अंदर घुस गई और उस वक्त वहां कर्मचारी काम कर रहे थे। आंदोलनकारियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की, कंप्यूटर, फर्नीचर सब तोड़ दिया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कर्मचारियों से दफ्तर से बाहर जाने को कहा और बिल्डिंग को आग लगा दी। 2 घंटे तक हंगामा होता रहा लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। 3-4 हजार लोग आए थे, उनके हाथों में सामान वगैरह था। हमारे को बाहर निकाल के उन्होंने ऑफिस में घुस गए। केरोसिन, ये पेट्रोल उनके साथ था, उन्होंने सिलगा के दिए। कोई नहीं आया। बाद में आए पुलिस लोग, वो मॉप आने के बाद हम अपना बाहर गए। बाहर जाने के बाद हमको मारेंगे करके हम डर के मारे भाग गए उधर। 2-3 घंटे उनका कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, धुआं ये पूरा ऑफिस में से निकल रहा जब हम बाहर से देख रहे थे।
महाराष्ट्र में आज हाईवे पर सफर करने वालों को भी जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। मराठा आंदोलनकारियों ने कई हाईवे ब्लॉक कर दिए। बीड में धुले सोलापुर नेशनल हाईवे को टायर जलाकर ब्लॉक किया। सड़क पर नारेबाजी हुई। आगजनी के कारण हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। बीड से लेकर छत्रपति संभाजी नगर तक ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया। बीड में सरकारी बसों को भी निशाना बनाया गया। बीड से कल्याण जा रही एक बस को दंगाइयों ने घेर लिया, उस पर पत्थर फेंके, शीशे तोड़ दिए। बस को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर ने हाथ पैर जोड़े, अपनी नौकरी का हवाला दिया तो प्रदर्शनकारियों ने बस को जाने दिया। बीड से कल्याण जा रही थी, चराटा मार्ग। वो जाते टाइम में वो जो आंदोलन करते जो बैठे थे पैंडल में, उन्होंने गाड़ी रोका है। बाद में पैसेंजर उतारे, उसके बाद में उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिए। पत्थर मारना शुरू, तो बाद में जलाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट करी, हम डिपो में लेके जाते, हम आगे नहीं जाएंगे, तो उन्होंने छोड़ दिया। बीट के तरह धाराशिव में भी मराठा समाज ने उग्र प्रदर्शन किया। NH-52 पर टायर जलाए। आंदोलनकारियों ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर नारे लगाए। प्रोटेस्ट की वजह से कई घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। मराठा आंदोलनकारी शिंदे सरकार पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। रिजर्वेशन की मांग को लेकर एक तरफ हिंसा हो रही है, तो दूसरी तरफ 25 अक्टूबर से मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पाटिल को समर्थन देने के लिए मराठा युवाओं ने कई इलाकों में रिले हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। इन लोगों का आरोप है कि शिंदे सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने एक महीने की मोहलत मांगी थी, वो मियाद पूरी हो गई, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज तक जो गवर्नमेंट ने किया है, मनोज जरांगे पाटिल साहब ने एक उनको टाइम दिया था, पीरियड दिया था, सर्टन पीरियड के बाद उन्होंने नहीं किया। पहला उन्होंने हड़ताल किया था 17 दिन का, बाद में सरकार ने उनको टाइम मांगा था कि ये टाइम में हम लोग आपकी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया है। सरकार ने सिर्फ टाइम पास किया मराठा समाज के साथ। नेता लोग को, राजनीतिक पक्षों के पार्टियों को बंदी कर दिया है। वैसा हम लोग अभी बॉम्बे में करने वाले हैं। हमारा कोई भी नेता, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आपका जो डिसीजन लेना है, वो आपके विधान भवन में जाइए, वहाँ पे इकट्ठा होके जो भी डिसीजन ले लो। इसके बाद ना इलेक्शन होगा, ना होने देंगे। पूरी तरह से हम लोग अभी ये जो आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग पूरा बहिष्कार डालेंगे सबके ऊपर। अभी मनोज जरांगे पाटिल ने जो 5 दिन से वो अनशन पे बैठे हुए, तो हम तो वहाँ नहीं जा सकते, बट हमारा समाज, आज हम चूनाभट्टी में अनशन पे बैठे, तो हमारा भी यही है कि हम चूनाभट्टी या अदर महाराष्ट्र की जितने भी मराठा समाज है, उनको यही बात कहना चाहते कि मनोज जरांगे पाटिल को अगर हम अंतरावाली सराटी गाँव नहीं जा सकते, तो हम हमारे जगह के पर्टिकुलर हम जहाँ रहते वहाँ पर मराठा समाज सब एकत्र होकर मनोज जरांगे पाटिल का सपोर्ट करे। मराठा आंदोलन में जो हिंसा हुई, उसके लिए विरोधी दलों ने एकनाथ शिंदे की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रिया सूले ने कहा कि कानून व्यवस्था होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। देवेंद्र फडणवीस के पास होम मिनिस्ट्री है, इसलिए फडणवीस को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज महाराष्ट्र क्राइसिस में है, एमएलए के घर में जलाया जा रहा है घर, ये पंचायत समिति की बिल्डिंग को आग लगाई है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा देने की जरूरत है अर्जेंटली। और मुख्यमंत्री, और उनसे बनता नहीं होगा तो उन्होंने मदद लेनी चाहिए केंद्र सरकार की। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और ये क्राइसिस के लिए और महाराष्ट्र की माए बाप जनता जो है उनके लिए सब ने साथ मिलकर खड़ा रहना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नजर आती है। आज एकनाथ शिंदे ने उस कमेटी के साथ मीटिंग की जो मराठा रिजर्वेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मकसद से बनाई गई थी। इस कमेटी की मीटिंग के बाद शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार आरक्षण का वादा पूरा करेगी, लेकिन सरकार चाहती है कि वो ऐसा इंतजाम करे जिससे रिजर्वेशन का मुद्दा कोर्ट में जाकर अटक न जाए, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। शिंदे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा,
इस तरह की हरकतों से मराठा आंदोलन भटक सकता है। जो मनोज जरांगे पाटिल और उनकी जो टीम है उससे भी अनुरोध है कि हमें भी उनके तबीयत की, उनके आरोग्य की चिंता है। उन्होंने ये जो अनशन है इसे हमें सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। सरकार को अगर समय देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत ही बड़ा एक निर्णय लोगों को मिल सकता है। राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो दुर्दैवी घटनाएं घट रही है, इसे भी रोकने की आवश्यकता है। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं, एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। इसके बाद शिंदे ने कहा कि अगर पिछली सरकार ने इस मुद्दे पर सीरियसली काम किया होता तो आज ऐसे हालात न बनते, मराठा आरक्षण लागू हो चुका होता। जस्टिस शिंदे सर की जो कमेटी है उन्होंने प्रथम रिपोर्ट जो है सादर किया हुआ है, कल हम कैबिनेट में रखेंगे और उसके ऊपर हमारे महसूल मंत्री जी आगे के जो कार्रवाई के निर्देश है अपने लोगों को देंगे। जो त्रुटियां हैं, जो खामियां सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो मराठा समाज बैकवर्ड कैसे है ये जो एम्पिरिकल डेटा जो है वो कलेक्ट करने का काम शुरू है, कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण रिजेक्ट हुआ है इसके भी कई कारण है। लेकिन आज मैं इस राजनीतिक मुद्दे को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो पिछले सरकार का फेल्यूर है, और मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मराठा आरक्षण जो है समाज को देना है वो नियम के अनुसार जो टिकने वाला, जो कानून के दायरे में बैठने वाला ये आरक्षण देना, ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। इस मामले को लेकर जालना में भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल तक भी हिंसा की खबरें पहुंची। पाटिल ने मराठा आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मराठों की पहचान लड़कर जान देने की है, आत्महत्या या हिंसे करने वालों की नहीं। लड़ना है, मरना नहीं। मैं लड़ रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ, आत्महत्या नहीं करनी। मैं लड़ के मरने के लिए तैयार हूँ, आत्महत्या करने के लिए मैं जिंदा मराठा हूँ। मैं कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, कभी ऐसे नहीं कर सकता। मराठे होंगे या ना होंगे तभी मैं मराठे भाई को बोलता हूँ, एक बार छोड़ दो सबको और शांतता से आंदोलन करो भाई, लड़ना है। और दूसरे तीसरा जो टप्पा आने वाला है उसमें बहुत अच्छा काम करना है, उद्रेक मत करो और आत्महत्या मत करो। मैं लड़ता हूँ, आप भी लड़ो, आरक्षण तो हम लेके रहेंगे। मराठा आरक्षण का मसला बहुत पुराना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 42 साल पुराना ये इशू 42 घंटों में सुलझ जाएगा इसकी उम्मीद करना भी ठीक नहीं है। मैं आपको इस मुद्दे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर सबसे पहले 1981 में अन्ना साहेब पाटिल ने आंदोलन किया था। उसके बाद हर पार्टी ने मौके से हिसाब से इस पर सियासत की, और इसकी वजह है कि महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 33% है, 33%। अब तक महाराष्ट्र के जो 21 चीफ मिनिस्टर हुए हैं उनमें 12 मराठा रहे, एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं, और उनकी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार भी मराठा हैं। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण भी मराठा थे। 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऑर्डिनेंस के जरिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों को
16% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन वो जानते थे कि मामला कोर्ट में अटकेगा और वो हुआ भी। चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी। फडणवीस ने एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मराठों को आरक्षण देने की मंजूरी दी। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी भी दे दी, लेकिन मामला अटका सुप्रीम कोर्ट में जाकर। 2021 में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। इस बार सरकार की कोशिश है कि मराठा आरक्षण पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाए, कोई लूपहोल ना छूटे, मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर निरस्त ना हो जाए। इसलिए मामला गंभीर है, लेकिन अब फिर चुनाव सामने है, इशू सेंसिटिव है, मामले को फिर से गर्म किया जा रहा है। आरक्षण जैसा सवाल नौकरी और रोजगार से जुड़ा है। इस पर आग लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बुझाना बहुत मुश्किल, और शिंदे के सामने ये बड़ा चैलेंज है।